सत श्री अकाल जी, मैं अनिरुद्ध नागपाल। दोस्तों, अज मैं गल कर लग्या पंजाब दे उस मुद्दे ते जिहड़ा कि बहुत गंभीर है। अज दिनों दिन पंजाब दे विच धर्म परिवर्तन दीयां जिहड़ियां घटनावां ने वो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही ने। पर ये सब कुछ शुरू कदों हुंदा है? ये सब कुछ शुरू हुंदा है 1830 दे दौरान, जदों क्रिश्चन मिशनरीज पंजाब दे विच आउंदे है ते उदों तों ईसाई धर्म का प्रचार पंजाब दे विच शुरू हुंदा है ते कन्वर्जन भी स्टार्ट हुंदा है। पर इस ते रोक लाउण दे लई 1870 दे विच सिंघ सभा लहर का आगाज हुंदा है ते सिंघां नूं अपील की जाती है कि अपने धर्म दे विच बने रहो ते उन्हां नूं सिख धर्म के इतिहास बारे भी जाणू करवाया जाता है। तो इसका बहुत वड्डा असर उस वेले वेखण नूं भी मिलदा है। पर अफसोस, अज उस तरह के हालात पंजाब दे विच फिर तो देखण नूं मिल रहे हैं। तो आओ देखते हैं सारी रिपोर्ट। धर्म सब कुछ है। धर्म थोनू जीवन का तरीका सिखाउंदा है ते भारत देश का संविधान भी थोनू अपना धर्म चुनन की आजादी भी दिंदा है। ते सब कुछ भारत के संविधान के आर्टिकल 25 तो लैके आर्टिकल 28 दे विच दर्ज भी है। पर अजकल इस आजादी नू अपने फायदे लई वरत्या जा रहा है। सोशल मीडिया ते अजकल कुछ एहो जिहियां तस्वीरां वायरल हो रही ने जिस विच सिख अपना धर्म परिवर्तन कर रहे ने ते ईसाई धर्म वल जा रहे ने। वैसे तो हर धर्म नू अपना खुला प्रचार करन दी इजाजत है ते हर इंसान नू अपना धर्म आजादी दे नाल चुनन दी भी इजाजत है, बशर्ते उस विच कोई लालच या दबाव नहीं होना चाहिए। पर पंजाब विचों एक खबरां सामने आ रही ने कि पंजाब दे लोग हुण ईसाई धर्म वल जा रहे ने, जिस करके सिख जथेबंदियां ने इस मुद्दे नू गंभीरता दे नाल लिता है ते हर घर अंदर धर्मशाल मुहिम की शुरुआत की है, जिस विच सिखां नू घर वापसी दे लई होका दिता जाएगा ते उन्हां नू सिख इतिहास बारे जागरूक भी करवाया जाएगा। SGPC ने 100 टीमां दा गठन कीता है जिस विच पिंड पिंड जाके सिख इतिहास बारे दस्या जाएगा ते अपने धर्म दे विच कायम रहण दे लई कहा जाएगा ते नाल ही सिख इतिहास नाल जुड़े लिटरेचर भी वंडे जाणगे। पर धर्म परिवर्तन की समस्या पंजाब विच अज दी नहीं बल्कि यह आजादी तो पहला दी चलती आ रही है। 1934 दे विच क्रिश्चियन मिशनरी सब तो पहला पंजाब दे विच आउंदे ने ते ईसाई धर्म का प्रचार उस वक्त शुरू हुंदा है। फिर 1970 दे विच सब तो पहला यह महसूस किया जाता है कि पंजाब विच धर्म परिवर्तन होना शुरू हो गया ते सिख अपना धर्म छड़ के ईसाई धर्म वल नू जा रहे ने, जिस करके सिखां नू सिंघ सभा लहर की शुरुआत करनी पई ते सिंघ सभावां दे दौरान सिखां नू उन्हां दे इतिहास प्रति जागरूक करवाया गया ते अपने धर्म दे विच पक्का रहण दे लई संदेश भी दिता गया, जिस का बहुत वड्डा असर उस दौर दे विच वेखण नू भी मिलिया ते सिख अपने पंथ नाल जुड़े रहे ते पंथ दे लई कुरबान भी हुंदे रहे। पर जे एक बार आंकड़ियां ते नज़र मारीए तो पंजाब विच 2011 दे विच 348,000 दे करीब ईसाई आबादी सी, पर हुण जे वेखीए 2021 दे विच आउंदे आउंदे इह आंकड़ा दिनों दिन तेजी दे नाल वधदा जा रहा है। आंध्र प्रदेश तो बाद पंजाब विच धर्म परिवर्तन सब तो तेजी दे नाल वधदा जा रहा। जे ट्रिब्यून ते हफिंगन पोस्ट की रिपोर्ट ते नज़र मारीए तो पंजाब विच इन्हां सालां दे विच केवल सिख धर्म परिवर्तन वल नूं नहीं वध रहे बल्कि हिंदू भी धर्म परिवर्तन दे वल नूं तेजी दे नाल वध रहे ने। धर्म परिवर्तन वल सब तो ज़्यादा छोटे तबके दे लोकां नूं लैके आया जा रहा ते बदले दे विच मुफ्त सिक्ख्या, मुफ्त मुआवजा ते होर जरूरतां दी चीज़ां दे नाल आकर्षित किया जा रहा। जे ईसाई लीडर की मन्नीए तो उन्हां दा कहना है कि पंजाब विच उन्हां दी गिनती 7 to 10% तक है, फिर भी उन्होंने अज भी घट गिनतियां दे विच रखा गया है। ये बहुत चकाउण वाली गल है कि पंजाब विच सब तो ज़्यादा धर्म परिवर्तन जलंधर, गुरदासपुर ते गुरु की नगरी कहे जाण वाले अमृतसर विच सब तो ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा। पंजाब विच सब तो ज़्यादा छोटे तबके दे लोकां नूं ईसाई धर्म वल कन्वर्ट किया जा रहा। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों अपना धर्म छड़ के पंजाब दे लोग ईसाई धर्म दे वल जा रहे हैं, कि पंजाब दे लोकां दा अपने धर्म विच विश्वास घटता जा रहा है।
या फिर उन्होंने किसी होर झांसे लैके आके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा। इसका सब तो वड्डा कारण है सिख इंस्टीट्यूशन का दिनों दिन घटना ते समाज के छोटे वर्ग को तरजीह ना मिलनी, जिस करके वह धर्म परिवर्तन वल नूं जा रहे हैं। शायद सिखां दे लई एक नवी लड़ाई है जिन्हों का इतिहास हमेशा तो संघर्षां ते कुर्बानियां दे नाल भरिया होया। इस विच राज सरकारां नूं समाजिक ते धार्मिक संस्थावां नूं इस तरह की गतिविधियां नूं रोकण दे लई काम करना चाहिए ते एक बेहतर समाज की उसारी दे लई जतन भी करना चाहिए। दोस्तों जे काम चंगा लगे तो चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब जरूर कर लियो ते साडी हौसला अफजाई दे लई इस नूं अगे शेयर भी जरूर कर लो। धन्यवाद।